आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोदावरी बायोरिफाइनरीज आईपीओ के बारे में। यह कंपनी 1956 में बनी गोदावरी बायोरिफाइनरीज इथेनॉल रसायन बनाती है। जून 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार कंपनी की दैनिक क्षमता 570 किलोलीटर इथेनॉल बनाने की है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में जैव आधारित रसायन, चीनी, विभिन्न प्रकार के इथेनॉल, बिजली शामिल है। अगले हफ्ते कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। आईपीओ के लॉन्च से पहले कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड तय कर दिया है। सभी निवेशक इस इश्यू में निवेश करने से पहले गोदावरी बायोरिफाइनरीज के आईपीओ से जुड़ी जरूरी बातें जान लें। कंपनी भारत के अलावा इन देश सारे में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस आईपीओ में आप 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक निवेश कर सकते हैं। कंपनी ने अपने 555 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 334 रुपए से 352 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ में 325 रुपए करोड़ का फ्रेश इश्यू जारी होंगे। इसके अलावा 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 65,26,983 शेयरों की ऑफर फॉर सेल के तहत बिक्री होगी। आईपीओ की बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग 30 अक्टूबर को होगी। शेयर अलॉटमेंट 28 अक्टूबर को होगा और 29 अक्टूबर को रिफंड्स और डिमैट अकाउंट में इक्विटी शेयर का क्रेडिट हो जाएगा। इस इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रहेगा। खुदरा निवेशक के लिए कम से कम 42 शेयरों का एक लॉट 14,784 रुपये का है। वहीं खुदरा निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 546 शेयरों के लिए 1,92,192 रुपये का निवेश करना होगा। पिछले एक साल वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में 15.92% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 37.37% की गिरावट दर्ज की गई है। यह एक बड़ी गिरावट है क्योंकि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके समान वृद्धि दर्ज नहीं हुई थी और यह कंपनी का आरओई, आरओसीई, आरओएनडब्ल्यू नेगेटिव है और इसका पीई 120 से ज्यादा है, जो कंपनी के लिए नेगेटिव है। इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल 240 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में किया जाएगा, जबकि बाकी फंड को जनरल कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।